हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमावत लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर। आज मैं निकल रहा हूँ राजस्थान के लिए। आप भी बोलते होगे कि क्या भाई तू बार बार राजस्थान के लिए निकल रहा है, तो क्या करूँ, काम ही ऐसा है कि मेरे को राजस्थान जाना पड़ता है बार बार। प्लान मेरा कल जाने का था 15 दिसंबर को, बट मेरी बहन बोली कि मेरा बर्थडे और मुझे याद भी नहीं था, कल का टिकट कैंसिल करा के आज की टिकट ले ली। बैग वैग तो सब पैक हो चुका है, बस रेडी भी हो चुका हूँ निकलने के लिए। मिस्टर डीआरपी वहाँ से घाटकोपर से निकले, उसको 9 बजे से कॉल कर रहा हूँ, तो अभी फोन उठाया, बोलते अभी उठाऊ मैंने। टाइम हो रहा है 12:53, मेरा बस है 1:30 अराउंड। बस वाले मुझे अभी तक बोला नहीं है कि मुलुंड आना है कि भांडुप। भांडुप से अगर मैं अकेला रहूंगा तो मुझे मुलुंड जाना पड़ेगा, अगर भांडुप में और पैसेंजर रहेंगे तो मेरे को भांडुप से ही बस मिल जाएगी। बट मिस्टर डीआर जो है हर बार वो लेट करता है, हर बार मतलब हर बार हर काम के टाइम लेट करता है। अभी टाइम हो रहा है 1:47 और अभी हम लोग आ गए थाने। मिस्टर डीआर बहुत लेट कर चुका है, उसको मैं सुबह 9:30-10 बजे से कॉल लगा रहा हूँ और ये भाई साहब सोया है। हमें बताया इतना सोए क्यों, क्योंकि ये सुबह 5 बजे आए। तो चलो कोई नहीं, हम लोग का जो थाने में काम था वो भी हो चुका है। और बस वाले को मैंने बोला कि मैं भांडुप से नहीं बैठ रहा हूँ, थाने हनुमान मंदिर के यहाँ से बैठ रहा हूँ। तो वो बोला चलो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे तीनाथ नाके से लेफ्ट मार के थोड़ा ही आगे हनुमान मंदिर। मैंने सोचा कि भांडुप से थाने आके, थाने से फिर से भांडुप जाके, फिर से भांडुप से थाने, कौन आएगा इससे। जब भांडुप से थाने आओ, थाने से ही निकल जाओ चुपचाप, है कि नहीं मिस्टर डीआर? हाँ, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर थाने पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बस है, बट ये बस में नहीं जा रहा हूँ, जो पहले वाले बस में गए थे हम लोग वही बस में हम लोग जा रहे हैं। वो बोले कि 2 बजे तक यहाँ पर आ जाएगी, मगर अभी 2:15 हो रहा है तो अभी तक बस नहीं आई है। मालूम है 2:30 बजे तक तो आ ही जाएगी बस। मिस्टर डीआर इधर है, एक मिनट। उस दिन बोला था 15 दिन में सब वीडियो दे देगा, मगर अभी तक एक भी वीडियो नहीं दिया है। 15 दिन भी नहीं हुआ अभी। हाँ तो 15 दिन में सब वीडियो बोला है, मगर एक वीडियो तो दे दीदी का। मैं जा रहा हूँ उदयपुर, अब शूट किए थे अभी, दीदी का देखे तो आते कल परसों तक दे दे। मैं उधर ही उदयपुर में तो चीजों को थोड़ा मतलब समझ रहा ना। ये अपनी गाड़ी आ चुकी है, ये रही अपनी 34 नंबर स्लीपर। मिस्टर डीआर हम भी आ रहे हैं राजस्थान, मिलते हैं फिर, चलो नीचे उतर। तो इसी के साथ मिस्टर डीआर हमसे अलविदा लेते हैं और हमारी बस भी लेट हो चुकी है, तो हम निकलते हैं अभी फटाफट। चल डीआर मिलते हैं, और मेरे को भाई वीडियो कल परसों तक मेरे को दे दे। हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच। चलो परसों तक वीडियो आएगा कि नहीं? जैसा है वैसी जाओगे? नहीं नहीं, आगे ब्रिज से नीचे से यू टर्न मार के सीधा निकलना वहाँ पे। हाँ सीधा सीधा, अभी सीधा सीधा घाट को ऊपर निकल ले। मैं तो आ चुका अपने स्लीपर में, बट यहाँ पर बहुत गंदा है, तो हमने घर से एक चद्दर ली थी, वो चद्दर हम अब इस्तेमाल करेंगे। मैंने चद्दर बिछा दिया हूँ एकदम अच्छे से, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आप देख सकते हो क्या है। तो पहले भी मैं उदयपुर गया था तभी आपको सब कुछ बताया एकदम, तो बार बार वही क्या दिखाऊँ, तो अभी कुछ करने के लिए है नहीं, तो बस बैठा हूँ। मैंने अपने साथ ये जैकेट भी ले लिया हूँ। शाम को 6 बजे के बाद बहुत ठंडी चालू हो गई थी, मतलब वो तो पहले गए थे, 1 महीने पहले गए थे, तो अभी 1 महीने बाद जा रहा हूँ तो मतलब ऑब्वियसली ठंडी थोड़ी ज्यादा ही होगी, तो इसके लिए ये चद्दर भी ले लिया हूँ। अगर मतलब ये भी पहन लूंगा रात को, अगर ज्यादा ठंडी लगी तो ये चद्दर भी ऐसा, समझ गए ना। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और आप जैसे देख सकते हो ट्रैफिक बहुत है, और अभी तक हम पहुंचे यहाँ पर गोड़बंदर पर, एंड यहाँ पर तो सब पूरे मुंबई में काम चालू है। मैंने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क में, क्योंकि वहाँ से एक अंडरग्राउंड रोड बन रही है डायरेक्टली टू थाने, तो मतलब वो डिस्टेंस 15 से 20 मिनट में वो कवर हो जाएगा, मतलब बोरीवली टू थाने इन जस्ट 15 मिनट। बहुत गर्मी हो रही है और अभी सनसेट का टाइम है, तो सन लेफ्ट साइड से यहाँ से डूब रहा है, तो ये डायरेक्ट पूरी धूप मेरे मुंह पे आ रही है। कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट ऐसा पर्दा लगा सकते हैं, ऐसा पर्दा लगा सकते हैं, बट मुझे लगाना नहीं है क्योंकि मुझे देखना भी है बाहर। गर्मी भी बहुत हो रही है और यहाँ पर बाजू में एक ट्रक है, ऐसे लगता है ट्रक के ऊपर ही बैठा हूँ मैं। जब हाईवे आ जाएगा थोड़ी हवा आएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अभी तो बहुत डिहाइड्रेट हो गया, तो मैंने पानी की बॉटल एक ली थी वो तो खत्म हो गई, सो अभी बंदा आया था एक पानी सिंचना, तो मैंने ले लिया। टाइम हो रहा है 5:12 होटल पर नाश्ता करने के लिए, जैसे मैं पहले व्लॉग में भी बताया था। सो अभी मेरे आईफोन के बैटरी में चार्जिंग कम है, तो हम चाय पीने जाएंगे, उसके बहाने टेबल ढूंढेंगे जिसके बाजू में ऐसा सॉकेट रहेगा, ये शाम को मतलब रात को 9 बजे चालू करेगा खाना खाने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा बस ड्राइवर दूसरा वाला ना, पहले जिसमें गया था दोनों बस एक ही जैसी दिखती है, मगर ये ड्राइवर चेंज है, ये थोड़ा अकड़ू ड्राइवर है, तो कुछ कर नहीं सकते उसका। मेरे को चार्जिंग के लिए मिल रहा नहीं था, तो ये वजन वाला जो है ना उसका निकाल के मैंने अपना चार्ज लगा दिया। अभी मैं वड़ा पाव लिया हूँ गरम गरम, और पहले भी हम लोग यहीं पे रुके थे, मम्मी के मिस्टर डीआर के साथ आए थे, तो यहाँ पे गोल गोल वजी खाए थे,
ये बस खड़ी है हमारी, सामने सनसेट हो रहा है। पता नहीं ड्राइवर लोग कहा है, प्यारा सा सनसेट हो रहा है, बस अच्छा दिखता था, बट क्या करें, ड्राइवर लोग के ऊपर डिपेंड है ना। अभी क्या मालूम इसका, ये बस का टायर कुछ हुआ है कि क्या मालूम। ये डायरेक्ट मतलब है ना मैकेनिक के सामने रुकता है ना, मेरे को टेंशन होता है। 71 है ना बहुत, मतलब पप्पा भी गए थे इसमें से, तो इसमें नीचे का कुछ हो गया था। चल ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होगा। फाइनली अभी आ चुके वो ड्राइवर साहब भी आ गए, अभी जो खलासी बोलते हैं जो टिकट कलेक्टर, वो भी अभी आ गए। क्या खा रहा है वो? आइसक्रीम खा रहा है। अरे यार चला गया अंदर, आइसक्रीम खा रहा था। बहुत गर्मी हो रही थी पहले, अभी थोड़ा ठंडा होने लगा। जैसे जैसे टाइम जाते रहेगा वैसे ठंडा होते रहेगा। अभी मेरे को जैकेट पहनना पड़ेगा धीरे धीरे। चामुंडा होटल चामुंडा। रोटी तो घर से लेके आई थी, तो यहाँ पे पनीर भुर्जी बोला वो एक छास जो गड़गड़ गड़गड़ खा लिया पी लिया। छोटा सा इंसिडेंट हो गया था गुजरात में, जो मैं बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि डायरेक्ट ड्राइवर को बोलना पड़ा कि थोड़ा आराम से चलाओ। मैंने डायरेक्टली तो नहीं जाके बोला, पहले डैड को कॉल किया। डैड ने जो ओनर थे उनको फ़ोन किया, उन्होंने डायरेक्ट ड्राइवर को बोला कि भाई गाड़ी आराम से चला, कंप्लेंट आ रही है। तो मैंने डायरेक्ट उनको कंप्लेंट कर दिया। अब क्या हुआ वो डिटेल में बताने जाऊंगा तो वो नेगेटिविटी फैल जाएगी, समझ रहे हो ना। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे और अभी हम लोग है उदयपुर से 87 किलोमीटर, 1 घंटा 21 मिनट दूर बता रहा है मेरा घर। तो मेरा घर नहीं उदयपुर। मॉर्निंग हो चुकी है और अभी जस्ट 25 किलोमीटर बचा है, मुझे उतरना है सुकाड़िया सर्कल। पहले भी मैं वहीं पे उतरा था। जीजू आ रहे हो? जीजू को कॉल करके बोल दिया 25 किलोमीटर बचा है और वो मेरे को मैप में बता रहा था 40 मिनट। बस ये अपडेट करने के लिए मैं आया था आपके सामने। और यहाँ पर मैंने बैग वैग सब पैक कर चुका हूँ, जूते भी पहन चुका हूँ। बस अभी 15 मिनट में आने वाला है। जीजू को भी कॉल कर दिया हूँ। जीजू को बोला किधर हो? जीजू बोलते तुम कहाँ? उन्होंने बोला गोर्धन विलास रूरल, मैं पहुँचा हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो बोलते ठीक है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली अपने गाँव में उतरूंगा, राजसमंद में उतर के कांकरौली जाके फिर मैं जाऊँगा। उदयपुर में आने का प्लान नहीं था। बाद में रात को जीजू ने भी बोला कि खाली फुकट आ रहे हो तुम, खाली फुकट यहाँ से, मतलब यहाँ से फिर से बस पकड़ के मेरे को जाना ही है गांव में। बट क्यों जा रहा हूँ मैं फिर से? बेबी से मिलने जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। उससे मिलके बाद में फिर से चले जाऊँगा अपने गांव। गाइस मेरे को सुकाड़िया सर्कल पे उतरना था, मगर भाई साहब ने मेरे को इधर बस स्टैंड पे उतार दिया, उदयपुर के बस स्टैंड पे। और पता नहीं अभी जीजो बोलता 5 मिनट रुक जा, आ रहा हूँ इधर ही। तो बस वाला इतना हरामी था ना सच्ची, अभी मैं बता नहीं सकता। रात को भी उसने जो हरकत की है, तो छोड़ो यार, अभी रात गई बात गई। इंतहार हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे जैसा की। जीजो वहाँ से सीधा चले गए थे, अभी पीछे से यू टर्न लेके आ रहे। ये आगे ले सामने, ये आगे सामने। क्या बोलते जीजो सुबह सुबह तकलीफ? तो मैं पूछ चुका हूँ घर पर, जीजू वहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, और मैं किससे मिलना है वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा।